आप सभी एक बार ये शेयर कर देना सेशन को। एक बारी आप सभी शेयर कर दीजिएगा सेशन को। चलिन हाय, अब सभी एक बार शेयर कर दो। हाय सचिन कुमार, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, सभी एक बार ही शेयर कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन नॉलेज 365। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, चांदनी हेलो, समीर खान, बिहारी बाबू हेलो, एक मिनट रुकना, कुछ प्रॉब्लम है। चिराग नमस्ते, आप सभी एक बार ही शेयर करो, लाइक करो, तब तक एक मिनट रुकिएगा सभी। चिराग सभी को हेलो, एक बारी सब लाइक करो, शेयर करो, एक बारी लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट रुकिए सब। लैपटॉप हैंग हो गया है शायद। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? कार्तिक कुमार हेलो, एक बारी रुक जाओ।
नॉलेज 365 पेन ही नहीं चल रहा। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, डेली स्टैटिक जीके, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड डेट्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलता है। यहाँ पे आप एसएससी, बैंक, डिफेंस एंड रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और ये वन स्टॉप सोर्स फॉर लेटेस्ट करेंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस है। गुल्लू पेन नहीं चल रहा। तो मैं आपकी जीएजीएस की एजुकेटर हूँ, मेरा नाम वर्षा है, मेरा 3 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मैंने 20,000 से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और मैंने खुद भी बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। वट यू विल गेट हेयर, अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस जहाँ पे आप अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट कर पाएंगे, आपको जो भी डाउट है वो डिस्कस कर पाएंगे और पोल में आंसर कर पाएंगे। यहाँ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा जिसकी मदद से आप लोग जो भी आपका सिलेबस एग्जाम का उसको कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे जिसको देख करके आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। दिव्या ज्योति, धीरे धीरे बच्चे आ जाएंगे, आप शेयर करो। गुड इवनिंग प्राची चौधरी। इंक खत्म नहीं हो गई, इसमें इंक नहीं है, ये डिजिटल पेन है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आप सबको। आप सभी को पता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए कैसे रजिस्टर करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाना, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल करोगे उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसकी नेप चेंज करके देखती हूँ। एक मिनट रुकिएगा सब। थोड़ी पेन में प्रॉब्लम है, पेन चल ही नहीं रहा है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी आप 12 या 24 महीने का ही प्लान लें, इसमें आपको 10% का ऑफ मिलेगा। हाँ, अब 12 या 24 महीने का प्लान लें, इसमें आपको 10% का ऑफ मिलेगा। जब भी प्लान लें इस कोड का यूज़ करें, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपके पास क्रेडिट है तो उसको भी यूज़ करें, उससे 10% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। हाँ, मैं अपने घर से ही पढ़ाती हूँ। सैयद हुसैन हेलो, सब एक बारी लाइक शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। 16 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड फूड डे एंड थीम इज ग्रो, नरिश, सस्टेन एंड टुगेदर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व विषय है ग्रो, पोषण बनाए रखना एक साथ, ठीक है? आपको याद रखना है थीम क्या है इसकी, ग्रो, नरिश, सस्टेन एंड टुगेदर। मनाया कब जाता है? 16 अक्टूबर को। और क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे, ठीक है? हाँ दिव्या ज्योति, अक्टूबर 15 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे एंड द थीम इज लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और विषय है लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना, ठीक है? इसको याद रखिएगा आप सब। आप सब एक बारी सेशन को लाइक करो और शेयर करो। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं एक बारी लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट, अक्टूबर 15 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन एंड थीम इज बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिलायसेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका विषय है कोविड-19 के मद्देनजर ग्रामीण महिलाओं के लचीलेपन का निर्माण। हाँ, हेडक्वार्टर ऑफ फाओ रोम इटली है। अब पेन चल रहा है गुल्लू बाबू।
क्रिस गेल बिकम्स द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 10,000 T20 रन्स इन 4 and 6 एज ही हैज स्मैश्ड 102 4 7 4 and 992 6। क्रिस गेल चौके और छक्कों में 10,000 T20 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं, क्योंकि उन्होंने 1,027 चौके और 982 छक्के जड़े हैं। ठीक है, तो क्रिस गेल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 10,000 रन अपने पूरे किए हैं केवल 4 और 6 को मार के। उसमें उनके टोटल 4 है 1027 और टोटल 6 है उनके 982। ठीक है, और क्रिस गेल कहाँ के प्लेयर है? वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। आप सभी जानते होंगे वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, और ये आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं। किंग्स 11 पंजाब के लिए ये आईपीएल का मैच खेलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। गौतम हेलो, हाँ प्राची, आप सभी लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी बच्चे न्यू हो और एक बार ही शेयर कर दो सब। ठीक है, आसान कंजर्वेशन रिजर्व बिकम्स उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट एंड विद दिस द नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया गोज अप टू 38। आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना है। इसके साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या 38 हो जाती है। ठीक है, तो रामसर स्थल मतलब क्या हुआ, तो ये बताओ। जो आसान कंजर्वेशन रिजर्व है ये एक रामसर साइट बना है। रामसर साइट मतलब रामसर ना एक ईरान में प्लेस है। रामसर एक ईरान में प्लेस है, उसके ऊपर ये नाम रखा गया रामसर। तो ये रामसर का मतलब क्या, बताओ बताओ। रामसर का मतलब बताइए क्या होता है? वो वेटलैंड होता है। रामसर का मतलब वेटलैंड होता है, जहां पे कोई भी वाटर किसी आइलैंड से मिलता है। ठीक है, कोई भी वाटर किसी आइलैंड से मिलता है, जहां पे पानी द्वीप से मिलता है, उसको कहते हैं रामसर वेटलैंड। आसान उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बन गया, और इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट है? 38। इंडिया में टोटल 38 रामसर साइट है। रामसर ईरान में एक प्लेस का नाम है, उस पर रखा गया रामसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सब। जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो। युजवेंद्र चहल बिकम्स द फिफ्थ इंडियन बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन T20 क्रिकेट। युजवेंद्र चहल T20 क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बने हैं। ठीक है, आप सभी जानते होंगे ये आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हैं। और इससे पहले जो 4 क्रिकेटर बने हैं वो कौन कौन है? एक तो है पीयूष चावला, दूसरे नंबर पे है आर अश्विन, फिर है आपका हरभजन सिंह, एक और नाम आप बताइए कौन है? नमस्ते सुपरस्टार जी। और एक है अमित मिश्रा। ठीक है, अमित मिश्रा रैंकिंग में नंबर 1 पे पीयूष, नंबर 2 पे अमित मिश्रा, थर्ड पे आर अश्विन, फोर्थ पे हरभजन एंड फिफ्थ पे युजवेंद्र चहल। तो युजवेंद्र चहल पांचवे ऐसे भारतीय बॉलर बने हैं जिन्होंने T20 में 200 विकेट लिए हैं। पीयूष चावला ने किसी को पता है कितने विकेट लिए हैं? अच्छा, आपकी फेवरेट है, किसी को पता है कितने कितने विकेट लिए हैं? पीयूष चावला ने लिए है 257 विकेट, अमित मिश्रा ने लिए है 256 विकेट, आर अश्विन ने लिए है 242 विकेट, हरभजन ने लिए है 235 विकेट एंड युजवेंद्र चहल ने लिए है 200 विकेट। ठीक है, आप सभी लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट अभी न्यू आए हो एक बार ही सभी लाइक कर दो। तो युजवेंद्र चहल पांचवें इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए T20 क्रिकेट में। उससे पहले कौन कौन है? पीयूष चावला, अमित मिश्रा, आर अश्विन एंड हरभजन। आर्मी चीफ जनरल M.M. Naravane will visit Nepal next month in November and he will be appointed the Honorary Chief of the Nepal Army. सेना प्रमुख जनरल नरावने अगले महीने नवंबर में नेपाल का दौरा करेंगे और उन्हें नेपाल सेना का मानद प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जितने भी बच्चे अभी न्यू हो एक बड़ी सभी शेयर कर दो लाइक कर दो। तो आर्मी चीफ कौन है हमारे? M.N. Naravane। ये अगले महीने नेपाल के दौरे पर जाएंगे, वहाँ पर उनको
ऑनरी चीफ के रूप में नियुक्त किया जाएगा, नेपाल आर्मी के ऑनरी चीफ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आप सभी जानते होंगे नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, काठमांडू। और वहां के कोई प्रेसिडेंट बताएगा आप में से, प्रेसिडेंट नेपाल के कौन है? वहां के प्रेसिडेंट है केपी शर्मा ओली, ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम है केपी शर्मा ओली। और नेपाल का अभी इंडिया के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले नेपाल का इंडिया के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि उत्तराखंड के कुछ रीजन को वो कह रहा था कि वो उनका रीजन है, जैसे कि लिपू लेक, लिपू लेक, काला पानी, इन सारे रीजन पे वो अपना दावा कर रहा था कि ये उनके एरिया में है, ठीक है। गौरव मौर्य गुड इवनिंग, व्हाट्सएप मस्ती गुड इवनिंग, सुपरस्टार हाँ, के पी ओली इज द करेक्ट आंसर। और नेपाल इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा था रीजन को लेके, उत्तराखंड के कुछ रीजन पे नेपाल का कहना था कि वो उनके एरिया में आएगा, उनके मैप में आएगा, ना कि इंडिया के मैप में। हाँ, काला पानी इज द करेक्ट, एंड लिपू लेक भी था, ठीक है। रॉबर्ट डेस्ट्रो इज अपॉइंटेड एज US स्पेशल एनवॉय टू तिब्बत। रॉबर्ट डेस्ट्रो को तिब्बत में अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त किया गया है। अब आप में से कोई मुझे कमेंट करके ये बताइए कि तिब्बत की कैपिटल क्या है, आप में से कोई कमेंट करके ये बताइए मुझे कि तिब्बत की कैपिटल क्या है, जल्दी बताइए कोई तिब्बत की कैपिटल आप में से कमेंट करके। किसी को तिब्बत की कैपिटल नहीं पता? कैपिटल है तिब्बत की लहासा, लहासा, LHASA, लहासा इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत। कोई गूगल मत करो, ईमानदारी से सभी आंसर देना। तो तिब्बत की कैपिटल है लहासा, इसको याद रखना, सब साथ के साथ याद भी करते जाना, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ अभी सभी साथ के साथ याद करना, क्योंकि अभी 10-15 मिनट बाद इसी के ऊपर MCQ करवाऊंगी, तो वहां पे मैं देखूंगी कि किसका किसका आंसर सही है। चिराग का आंसर ठीक है, अजय कुमार का आंसर बिल्कुल ठीक है। चिराग, अजय, अगर आपने लाइक नहीं किया सेशन को तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। गुल्लू बाबू का भी ठीक है। भूपेंद्र सिंह इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। भूपेंद्र सिंह को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि किसको नियुक्त किया गया है, भूपेंद्र सिंह को किया गया है। मंजू शर्मा एंड संगीता आर्या इज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ राजस्थान सर्विस कमीशन फीमेल। फीमेल में, वो मेल में थे, ये फीमेल में है। मंजू शर्मा और संगीता आर्या को राजस्थान सेवा आयोग महिला का सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रत्यय, हेलो। बाबूलाल काटारा एंड जसवंत राठी इज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन मेल। वो फीमेल, ये मेल और वो ओवरऑल। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ना हिमांशु, क्योंकि डेली इतनी न्यूज नहीं बनती, तो कुछ तो रिपीटेशन में आएगा ही। उमा शंकर इज अपॉइंटेड एज द कर्नाटका बैंक एडिशनल डायरेक्टर। उमा शंकर को कर्नाटका बैंक का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। अब मुझे कोई ये, हाय अब्दुल कादिर, कोई अब मुझे ये बताओ कमेंट करके कि कर्नाटका का CM एंड गवर्नर कौन है, बताइए कमेंट करके, हु इज द CM एंड गवर्नर ऑफ कर्नाटका, कोई बताइए। कर्नाटका का CM एंड गवर्नर, बिल्कुल राकेश कुमार का आंसर बिल्कुल ठीक है। CM है BS येदुरप्पा, एंड गवर्नर, हु इज द गवर्नर, ओके प्रत्यय, इट्स ओके। एंड गवर्नर बताइए कौन है, ये तो CM है BS येदुरप्पा, एंड गवर्नर वाईवी रेडी नहीं है हिमांशु, गवर्नर बताइए, हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका, जल्दी बताइए। गुड इवनिंग राकेश। BS येदुरप्पा CM है, गवर्नर है वज्जू भाई वल्ला, ठीक है, वज्जू भाई वल्ला इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका।
India's first Oscar winner Bhanu Athaiya passed away at the age of 91. Bhanu won the Oscar for Best Costume Design for Lord Richard Attenborough in Gandhi's in 1983. तो इंडिया की पहली ऑस्कर विनर, भारत के पहले ऑस्कर विजेता भानु अथैया का 91 साल की उम्र में निधन हो गया. भानु ने 1983 में लॉर्ड रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता था. तो इन्होंने किसके लिए जीता था आपको ये भी याद रखना है. पिंकी चौधरी गुड इवनिंग. अच्छा राकेश आप न्यू हैं. चिराग का आंसर बिल्कुल ठीक था. वज्जू भाई वल्ला इज द करेक्ट आंसर. जितने भी बच्चे अभी न्यू आए हो सभी एक बड़ी लाइक कर देना. हिमांशु आप भी लाइक कर देना. गुड इवनिंग हिमांशु. सब लाइक कर दीजिएगा. राहुल श्रीवास्तव इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू अल्बेनिया. राहुल श्रीवास्तव को अल्बेनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है. आप कोई मुझे ये बताइए कि अल्बेनिया की कैपिटल क्या है. आप में से कोई हाँ मूवी गांधी गुल्लू. तो आप मुझे कोई कमेंट करके ये बताओ कि अल्बेनिया की कैपिटल क्या है. चांदनी आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है. वज्जू भाई वल्ला. चांदनी आपका नेट काफी स्लो रहता है. आपको एक कमेंट करके ये बताइए कि अल्बेनिया की कैपिटल क्या है. थैंक यू हिमांशु. जिसने नहीं किया है वो कर दो और एक बारी सभी शेयर भी कर दो सेशन को. जितने भी आप स्टूडेंट हो आप बहुत सारे ग्रुप में कनेक्टेड होंगे तो आप जिस भी ग्रुप में है प्लीज शेयर करिए एक बारी. बताइए अल्बेनिया की कैपिटल. राकेश बमानिया तिराना, राकेश अहमद तिराना, दिव्या ज्योति. ऑप्शन नहीं दूंगी दिव्या, इसको याद आपको रखना पड़ेगा. अल्बेनिया की कैपिटल है तिराना. तिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बेनिया. ठीक है सभी याद रखिएगा. तिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बेनिया. एस कृष्णा मूर्ति इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन. ठीक है एस कृष्ण मूर्ति को कर्नाटका स्टेट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. अब्दुल कादिर का भी तिराना है बिल्कुल ठीक है. अच्छा दो तीन दिन पहले बताया था तब भी भूल गए. सुपरस्टार का भी तिराना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सुपरस्टार का भी. और आपके भाई बहन फ्रेंड जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी नीट का एग्जाम दिया था बता दो कि नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है. राकेश आप भी शेयर करो. ठीक है राकेश आप भी शेयर करिए और सारे बच्चे लाइक कर दो. आपके भाई बहन दोस्त यार जिनका भी नीट का एग्जाम था नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो चेक कर लीजिएगा. उक्रेन बिकम्स द 17th कंट्री टू हैव एयर बबल अरेंजमेंट विद इंडिया. उक्रेन भारत के साथ एयर बबल अरेंजमेंट करने वाला 17वां देश बना है. अब ये बताइए कमेंट करके कि उक्रेन की कैपिटल क्या है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उक्रेन. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उक्रेन. उक्रेन की कैपिटल बताइए. राकेश आपका कोई फ्रेंड नहीं है. बिल्कुल चिराग का आंसर बिल्कुल ठीक है. कीव इज द कैपिटल ऑफ उक्रेन. उक्रेन की कैपिटल है KYIV. कीव इज द कैपिटल ऑफ उक्रेन. राशिद सुपरस्टार राकेश राम राम सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है. चिराग मिल का भी आंसर बिल्कुल ठीक है. इंडिया टू डिलीवर किलो क्लास सबमरीन INS सिंधुवीर टू म्यांमार नेवी एंड INS सिंधुवीर विल बी द फर्स्ट सबमरीन ऑफ द म्यांमार नेवी. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इंडिया ने पहला किलो क्लास सबमरीन INS सिंधुवीर म्यांमार को दिया है और ये म्यांमार का पहला सबमरीन है. ठीक है भारत म्यांमार नौसेना को किलो क्लास सबमरीन INS सिंधुवीर डिलीवर करेगा और INS सिंधुवीर म्यांमार नेवी का पहला पनडुब्बी है. इसको याद रखिएगा क्योंकि ये फर्स्ट है म्यांमार का और इंडिया ने इसको डिलीवर किया है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. ठीक है अब कोई म्यांमार की कैपिटल बताइए आप में से.
म्यांमार की कैपिटल बताइए और म्यांमार का पहले क्या नाम था ये भी बताओ। म्यांमार का नाम पहले क्या था आप ये बताइए कमेंट करके, और म्यांमार की कैपिटल भी बताइए कमेंट करके। इट्स ओके प्राची, नेट खत्म हो गया तो। और जितने भी बच्चे न्यू आए हो प्लीज सारे बच्चे लाइक कर दे एक बारी, जितने भी बच्चे न्यू हैं प्लीज़ एक बारी सभी लाइक करिए, शेयर भी करिए, और जिसने भी अन अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया करिए, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जब भी लीजिएगा मेरा कोड यूज़ करिएगा वर्षा, और जितने भी बच्चे न्यू हो वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ वर्षा 0907 से, वहाँ पे आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको सारे PDF मिलेंगे। राकेश बमानिया बिल्कुल ठीक, म्यांमार का पहला नाम था बर्मा, बिल्कुल ठीक है चिराग का आंसर, एंड कैपिटल कौन, हाँ बर्मा राशिद का भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और कैपिटल क्या है आप बताइए। नाइपिथाउ, ठीक है नाइपिथाउ इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान जिंक गुजरात गवर्नमेंट साइन पैक्ट टू सेटअप जिंक स्मेल्टर प्लांट, हिंदुस्तान जिंक और गुजरात सरकार ने जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है हिंदुस्तान जिंक और गुजरात गवर्नमेंट ने एक समझौता किया है जहाँ पे वो स्मेल्टर जिंक प्लांट स्थापना करेंगे उसके, ठीक है। बर्मा राकेश का, व्हाट्सएप मस्ती चांदनी सभी का, बर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और गुजरात के CM आप सभी को पता होगा, अब तो मैं डेली रिपीट करती हूँ, विजय रूपानी इज द CM ऑफ गुजरात, एंड आचार्य देवव्रत इज द गवर्नर ऑफ गुजरात, ठीक है अब्दुल आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, नेपथ्यू एंड वर्मा। विशाल वी शर्मा इज अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, ठीक है। नमस्ते श्याम कुमार, जितने भी बच्चे आप लोग न्यू है प्लीज सेशन को लाइक करिए, प्लीज सेशन को शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके। आपको ये बताओ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए जल्दी, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, बताइए जल्दी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। बिल्कुल गुल्लू बाबू का बिल्कुल ठीक है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर, सुपरस्टार जेनेवा नहीं है, पेरिस में है। राकेश का, चिराग का, अजय कुमार का सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, पेरिस इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे एक बारी लाइक करो शेयर करो जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, श्याम कुमार आप भी शेयर करिए, श्याम विनीता पुरोहित आप भी लाइक शेयर करो। रिनोन्ड पोएट अखितम अच्युतन नंबोथ्री पास्ड अवे, ही वॉज द सिक्स्थ मलयालम राइटर हु बैग्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड, ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री द फोर्थ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017। प्रसिद्ध कवि अखितम अच्युतन नंबोथ्री का निधन हो गया है, वो छठे मलयालम लेखक थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था, उन्हें 2017 में भारत सरकार के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। हाँ चांदनी बिल्कुल ठीक है आपका, फ्रांस फ्रांस पेरिस हाँ इंडिया से दूर है, हाँ बहुत ही बड़ा नेम है इनका। वेटरन क्रिकेटर जर्नलिस्ट एंड कमेंटेटर किशोर भिमानी पास्ड अवे, दिग्गज क्रिकेटर पत्रकार और कमेंटेटर किशोर भिमानी का निधन हो गया है के नाम। हेलो पवन प्रवीण जहां प्रवीण जंगीर, हेलो प्रवीण सेशन को लाइक कर दीजिएगा एक बारी, प्रवीण सेशन को लाइक और शेयर कर देना। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस सेकेंड फेज ऑफ थैलासेमिया बाल सेवा योजना, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, ठीक है ये याद रखिएगा आप लोग। इंडिया प्रोवाइड्स $1 million टू UNRWA फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज, भारत ने पैलेस्टाइन शरणार्थियों के लिए
UNRWA को 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर प्रदान किए हैं। UNRWA की फुल फॉर्म बताओ आप में से कोई, UNRWA की फुल फॉर्म बताओ। बताइए जल्दी UNRWA की फुल फॉर्म बताइए। बताइए UNRWA फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNRWA, जल्दी बताओ। UNRWA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है अमाम में, ठीक है। ओके प्रवीण जहांगीर, ओके प्रवीण जहांगीर, अमान जॉर्डन में है इसका हेडक्वार्टर, इसको याद रखिएगा। UNRWA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी एंड हेडक्वार्टर इज इन अमाम जॉर्डन। हिमांशु व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकती, इसमें ही पढ़ाना पड़ेगा। राशिद का आंसर बिल्कुल ठीक था, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी होगा, असेंबली नहीं एजेंसी। श्याम कुमार का भी आंसर बिल्कुल ठीक है और चांदनी का आंसर भी बिल्कुल ठीक है, जॉर्डन, हाँ अमाम जॉर्डन में है चांदनी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बैग्स फर्स्ट रैंक इन इंडिया फॉर फाइलिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया रिपोर्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने सबसे अधिक पेटेंट दाखिल करने के लिए भारत में पहली रैंक हासिल की है। आप सभी जानते होंगे पेटेंट क्या होता है। प्रवीण मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वर्षा 0907, वर्षा 0907, थैंक यू श्याम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग एज नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। भारत सरकार ने जहाजों के पुनर्चक्रण के लिए जहाजीकरण महानिदेशालय के राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है। अब्दुल कादिर बिल्कुल ठीक है। ओके प्रवीण जहांगीर, प्रवीण जहांगीर आप लाइक कर दीजिएगा सेशन, जितने भी स्टूडेंट न्यू है प्लीज लाइक कर देना। निर्मला सीतारमन वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन 4th G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। निर्मला सीतारमन ने लगभग 4th G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैठक के गवर्नरों में भाग लिया है। आप सभी जानते होंगे निर्मला सीतारमन अभी हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। निर्मला सीतारमन अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और ये फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ, सॉरी फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। वैसे इससे पहले इंदिरा गांधी जी बन चुकी है, लेकिन इंदिरा गांधी एडिशनल बनी थी, वो कुछ दिनों के लिए बनी थी, लेकिन परमानेंट फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, निर्मला सीतारमन। और ये फर्स्ट लेडी डिफेंस मिनिस्टर भी थी, ये फर्स्ट लेडी डिफेंस मिनिस्टर भी थी, ठीक है, ये भी याद रखना। तो फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर फुल टाइम निर्मला सीतारमन एंड फर्स्ट लेडी डिफेंस मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमन। हाँ डिफेंस भी थी, बिल्कुल ठीक है आप सबका। इंडिया रजिस्टर्स 25-30% ड्रॉप इन ट्यूबरक्लोसिस केस नोटिफिकेशंस, WHO रिपोर्ट्स। भारत ने तपेदिक मामलों की अधिसूचनाओं में 25-30% की गिरावट दर्ज की है, WHO का ये रिपोर्ट है। इंडिया ने वैसे भी आप इंडिया ने अभी 25 से इंडिया में 25-30% की गिरावट हुई है टीबी के केस में,
टीबी के केस में इंडिया में 25 से 30% की गिरावट हुई है, और ये किसका कहना है? WHO का। ये बताओ, इंडिया का लक्ष्य है ट्यूबर क्लोसिस को कंप्लीटली खत्म करना किस साल तक? इंडिया का लक्ष्य है ट्यूबर क्लोसिस को खत्म करना किस वर्ष तक? ये बताइए कोई कमेंट करके। इंडिया का लक्ष्य क्या है कि वो भारत में ट्यूबर क्लोसिस के केस कब तक खत्म कर देगा? और कोई ये भी बताओ कमेंट करके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? चांदनी का 2025, चिराग का 2025, प्रवीण का 2022, हिमांशु का 2024। केवल चिराग एंड चांदनी का आंसर ठीक है, 2025। ठीक है, 2025 में इंडिया का लक्ष्य है कि भारत से ट्यूबर क्लोसिस को पूरी तरह से समाप्त कर देना। एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, जेनेवा, जेनेवा इज द करेक्ट आंसर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड लाइफ प्रोडक्ट सरल जीवन बीमा मैंडेटेड लाइफ इंश्योरर टू लॉन्च बाय जनवरी 1, 2021। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण मानक जीवन उत्पाद सरल जीवन बीमा को प्रेरित करता है 1 जनवरी 2021 तक लॉन्च करने के लिए अनिवार्य जीवन बीमा कंपनी। ये थोड़ी हिंदी की मिस्टेक है। हिमांशु बढ़ाया का है, अभी तो 2025 ही है। ठीक है, और IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है कमेंट करके बताइए। IRDAI का हेडक्वार्टर किधर है बताओ कमेंट करके जल्दी से। थैंक यू प्रवीण जहांगीर। तो प्रवीण आप लोग शेयर भी करिए, आपके दोस्त तो होंगे ना, उनको आप शेयर करो, सबको बोलो लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही लोग कर सकते हैं, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। IRDAI हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद। ठीक है, IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद, आप सभी इसको याद रखिएगा। सारे बच्चे लगता है गूगल पे सर्च करने चले जाते हैं। फोन पे इन एसोसिएशन विद बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस लॉन्च्ड कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के सहयोग से फोन पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर कार और बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब फोन पे नहीं, हिमांशु मुंबई में नहीं है, हैदराबाद है। राकेश का, अमित का, लक्ष्मी का, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। तो फोन पे आप क्या करेगा, फोन पे आप कार और बाइक के इंश्योरेंस भी करेगा। अभी तक वो UPI करता था सारी, मतलब मेट्रो वेट्रो के रिचार्ज, फिर हेल्थ इंश्योरेंस करता था, लेकिन अब वो कार एंड बाइक के इंश्योरेंस भी करेगा। ठीक है, फोन पे में, फोन पे ने, आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन आ सकता है, फोन पे ने एक हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया था COVID-19 के लिए, COVID-19 के लिए केवल 156 रुपये में। ठीक है, वो फोन पे आप केवल 156 रुपये में अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते थे COVID-19 के लिए। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। हाँ, अमित का, लक्ष्मी का, सभी का आंसर हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। तो 156 रुपीज में फोन पे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते थे। IKEA इन पार्टनरशिप विथ सिटी बैंक इंडिया एंड मास्टर कार्ड लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड कार्ड IKEA फैमिली क्रेडिट कार्ड बाय सिटी। सिटी बैंक इंडिया और मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में IKEA ने एक सह ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है, सिटी द्वारा IKEA परिवार क्रेडिट कार्ड। आप IKEA सब, आप लोग सभी जानते होंगे कि IKEA कहाँ पे है। IKEA है नीदरलैंड में। ठीक है, IKEA है नीदरलैंड में, आप सभी जानते होंगे। आपको ये बताओ कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, आप में से कोई ये बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, जल्दी बताओ।
What is the capital of Netherlands? थैंक यू प्रवीण जहांगीर. प्रवीण आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए. जो भी बच्चे न्यू हैं यहाँ पे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए. आईपीएल का मैच देख के क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? पढ़ के ही कुछ मिलेगा. आईपीएल का मैच देख के कुछ नहीं मिलेगा. आईपीएल के मैच की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं. ओके प्रवीण, थैंक यू. तो एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड. जिसको भी नहीं पता वो नोट कर लो, एम्स्टरडैम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड. चिराग मील का आंसर बिल्कुल ठीक है. गुरदीप सिंह, सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर. सीएमडी की फुल फॉर्म होती है, जिसको नहीं पता नोट कर लो. गुरदीप सिंह, चीफ सीएमडी ऑफ एनटीपीसी गेट्स एक्सटेंशन ऑन हिज टर्म टिल जुलाई 2025. एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह को जुलाई 2025 तक अपने कार्यकाल पर एक्सटेंशन मिल गया है. तो ये बताओ कि एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? आप में से कोई कमेंट करके ये बताइए एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीसी? थैंक यू प्रवीण. एनटीपीसी की फुल फॉर्म जिसको नहीं पता नोट कर लो, एनटीपीसी की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है? एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड. एंड चिराग का आंसर बिल्कुल ठीक है. अजय कुमार, नॉन टेक्निकल नहीं है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है एंड एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है? एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में. इसको भी याद रखना आप लोग. और जितने भी बच्चे न्यू हो प्लीज़ सभी लाइक कर दो एक बार, सभी शेयर भी कर दो. सुरोनो बाई जीन वेकाव, प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान, अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन. किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोन बाय जेन बेकोव ने इस्तीफा की घोषणा कर दी, ठीक है? तो ये आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इस क्वेश्चन के दो तीन क्वेश्चन बन जाएंगे कि कहाँ के राष्ट्रपति ने रिजाइन किया है, तो आपको किर्गिस्तान याद रखना है. फिर ये ऐसे पूछा जाएगा कि किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, फिर इनका नाम पूछा जा सकता है, तो आपको तीनों ही याद रखना है. तो ये बताओ किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? What is the capital of Kyrgyzstan? जल्दी बताओ, ये तो मैं बहुत बड़ी बता चुकी हूँ आप सभी को. What is the capital of Kyrgyzstan? Good evening, अंकित चौरसिया. अंकित लेट कैसे? चांदनी हेडक्वार्टर नई दिल्ली, बिल्कुल ठीक है. लक्ष्मी वर्मा का भी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है. चिराग, अभी तो क्लास चलेगी क्योंकि अभी जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, इसके MCQ होंगे अभी. इसके अभी MCQ करवाऊंगी मैं, वो मैं देखूंगी कि आप सबने कितना पढ़ा, कितना आपको आता है. इसके अभी MCQ होंगे. और जितने भी बच्चे न्यू आए हो सभी एक बारी लाइक कर दो. किर्गिस्तान की कैपिटल जिसको पता नहीं है नोट कर लो, बिश्केक. बिश्केक इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान. मैं ये दो तीन बारी आप लोगों को बता चुकी हूँ, बिश्केक इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान. राकेश, किसी बुक से नहीं होता. राकेश आपको मैं अभी भी बता देती हूँ, आप लोग बुक वगैरह पढ़ना छोड़ो, केवल मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है? जितने भी बच्चे आप लोग प्रिपरेशन करते हो केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाओ. अपने मॉक टेस्ट में आपकी जो भी मिस्टेक है उसको एनालाइज करिए, तो ही आपका रिजल्ट क्लियर होगा. आप सबको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है. हाँ चांदनी, मुझे लेट मिलते हैं मैसेज. अंकित का आंसर बिस्केक बिल्कुल ठीक है, प्रवीण का बिल्कुल ठीक है, चांदनी का भी बिल्कुल ठीक है. ठीक है, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो मॉक टेस्ट लगाओ. जिसने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ले लो, और जो भी लेना मेरा कोड यूज़ करना वर्षा, ठीक है? आप सभी को 10% का ऑफ मिलेगा. और जितने भी बच्चे यहाँ पे न्यू है वो वर्षा
0907 मेरा टेलीग्राम चैनल है, वर्षा 0907, इससे ज्वाइन हो जाओ। मैं यहाँ पे आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी और सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी बच्चे न्यू हो रहे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, वर्षा 0907 को। यहाँ पे आपको क्लास की नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ मिल जाएगी। और जितने भी बच्चे न्यू हो प्लीज़ लाइक करो। राकेश, अब क्या होता है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट करोगे शुरू से, ठीक है। तो अगर आज से आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करोगे तो 6 महीने तो आपको पढ़ने पढ़ने में लगेगा, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। इससे बेहतर होगा, अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में ऐसे मिलेंगे जो ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो आते भी नहीं है। बहुत सारे बुक में ऐसे क्वेश्चन है जो अब आते ही नहीं एग्जाम में, अब सारे नए क्वेश्चन आते हैं, नए पैटर्न पे आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाइए, जितने भी बच्चे हैं मेरी बात मानो, केवल मॉक टेस्ट लगाओ आप लोग, केवल मॉक टेस्ट से ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए केवल और केवल। प्रदीप घुरा पेंड हिज सेकेंड बुक टाइटल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बी श्रैंक द ड्रैगन। प्रदीप घुरा ने अपनी दूसरी पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हम ड्रैगन को सिकुड़ गए, ठीक है। अगर राकेश आपका क्वांट सेक्शन वीक है तो आप प्लीज़ सब्सक्रिप्शन लीजिए, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ पे आप सारे क्लासेस अटेंड करिए और वहीं पे आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी बुक से आप पढ़ाई करने से अच्छा है मॉक टेस्ट लगाओ, और जो भी बच्चे न्यू आए हो सभी लाइक करो, ठीक है। के शनमुगम तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी गेट्स अनदर 3 month एक्सटेंशन। तमिलनाडु के मुख्य सचिव के शनमुगम को 3 महीने का और विस्तार मिल गया है, 3 महीने का और इनको एक्सटेंशन मिल गया है। दीपक सैनी हाय। अच्छा, आपके 20 अटेम्प्ट थे तो प्रवीण 20 अटेम्प्ट में से एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी मैटर करती है ना, एक्यूरेसी मैटर करती है ना कि एक्यूरेसी कितनी है। अब चलिए अब एमसीक्यू करते हैं हम सभी। अभी आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है ये उसके बेस्ड एमसीक्यू है, अब इसका आंसर करिएगा सब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस। राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? ए भूपेंद्र सिंह, बी नाडिया मुराद, सी जोसेफ रोतबाला एंड डी नन ऑफ दीज। दीपक आप भी सेशन को लाइक कर दो। हाँ हिमांशु, बिल्कुल सही बात है, जिसका भी एग्ज़ाम है वो केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाओ। मैं तो ये कहती हूँ क्लास से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना। अच्छा 18 करेक्ट है। अब देखिए, अब तो रिजल्ट आने दीजिए। राशद का फर्स्ट है, राहुल का भी फर्स्ट है, अजय कुमार का भी फर्स्ट है, नितिन जाट का भी फर्स्ट है, एंड आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भूपेंद्र सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। मानवी का भी फर्स्ट है, सभी का फर्स्ट है। जितने भी बच्चे अभी न्यू आए हो प्लीज़ सभी लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब लाइक एंड शेयर करो। बच्चे बहुत कम है, अब कम से कम 50 लाइक तो करवाओ। लाइक शेयर सभी करो प्लीज़। तफजुल बीन आज़म का भी फर्स्ट है, प्रवीण का भी फर्स्ट है, लक्ष्मी का भी, मानवी का भी, सभी का। क्वेश्चन नंबर टू, हु इज़ अपॉइंटेड एज द कर्नाटकाज बैंक एडिशनल डायरेक्टर। कर्नाटका बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए सर्जियो लोबेरा, बी उमा शंकर, सी नीलेश शाह एंड डी एस नानावती। अंकित आप ट्राई करो, अगर क्या पता आपने पढ़ा हो तो आपको आता हो, क्योंकि ये तो करंट अफेयर है। करंट अफेयर आप नहीं पढ़ते क्या? चिराग का सेकंड का बी, अंकित 10:30 पे क्लास होगी, ठीक है। राहुल सिंह का सेकंड का बी, मानवी का भी सेकंड का बी, बाकी बच्चे आंसर करिए। और प्लीज़ सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज़ अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। जो भी लेना इस कोड का यूज़ करना वर्षा का, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। सभी का सेकंड का बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। उमा शंकर इज़ द करेक्ट आंसर। प्रवीण, लक्ष्मी, हिमांशु, मानवी, अजय, राशद, चिराग और एंड राहुल सिंह, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। राकेश मॉक में सब कुछ रहता है,
राकेश बमानिया, मॉक टेस्ट में सब कुछ रहता है, वो आपका पूरा जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। तो प्लीज आप सभी मॉक टेस्ट जरूर दें, जितने भी बच्चे हैं आप लोग प्लीज मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें अपने स्कोर को एनालाइज करिए, अपने एग्जाम टेस्ट को एनालाइज करिए, कहाँ पे क्या कमी है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, अगर गलत है तो उसको सही कैसे करें, कितने मार्क्स है, और आप जितना भी स्कोर कर रहे हो नेक्स्ट टाइम हमेशा टारगेट रखो कि पहले से ज्यादा स्कोर करना है। राकेश, मेरा नाम है वर्षा, ठीक है, आप जब भी लेना मेरा कोड यूज करना वर्षा, ठीक है, आप अनअकैडमी पे चाहे किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन ले, मेरा कोड यूज करना वर्षा। अच्छा अंकित, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिमांशु का, प्रवीण, चिराग, राहुल सिंह, अजय कुमार, चांदनी, प्रवीण, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। रॉबर्ट डेस्ट्रो इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्मी वर्मा का भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आर्मी चीफ जनरल MM नरावने विल विजिट नेक्स्ट मंथ। सेना प्रमुख जनरल MM नरावने अगले महीने कहाँ का दौरा करेंगे? ए अर्जेंटीना, बी इंडिया, सी जापान एंड डी नेपाल। चांदनी का भी बिल्कुल ठीक था, तफजुल का भी ठीक था, सुपरस्टार का भी बिल्कुल ठीक था। आप लोग जिस भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप लोग वहाँ पे शेयर कर दो, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हो वहाँ पे शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, एटलीस्ट 50 लाइक करो। प्रवीण जहांगीर नेपाल, एंड सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, नेपाल इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो 100% रिजल्ट दे दिया सभी ने, केवल दीपक सैनी को छोड़ करके बाकी सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था, नेपाल, नेपाल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु इज द फर्स्ट ऑस्कर, यहाँ पे इज आएगा, हु इज द फर्स्ट ऑस्कर विनर ऑफ इंडिया पासेज अवे एट रिसेंटली। भारत के पहले ऑस्कर विजेता का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ए भानु अथैया, बी विशर खाशने, सी जयजीत सिंह एंड डी नन ऑफ दीज। सुपरस्टार क्या बताया था मैंने? तफजुल का ए, हिमांशु का ए, एंड सभी का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 100% रिजल्ट आप सभी का, वेरी गुड। भानु अथैया, ठीक है, 1983 की गांधी के लिए मिला था इनको, ठीक है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच कंट्री बिकम्स द 17th कंट्री टू हैव एयर बबल अरेंजमेंट विद इंडिया। कौन सा देश भारत के साथ हवा बुलबुले की व्यवस्था करने वाला 17वां देश बना है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूक्रेन, सी बांग्लादेश एंड डी जापान। हिमांशु का 6th का बी है, सुपरस्टार का बी, सैयद का बी, लक्ष्मी का बी, चिराग का, सभी सभी का बिल्कुल ठीक है, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, उक्रेन, उक्रेन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री विल डिलीवर किलो क्लास सबमरीन टू म्यांमार नेवी। कौन सा देश म्यांमार नौसेना को किलो श्रेणी की पनडुब्बी वितरित करेगा? ए जापान, बी चाइना, सी इंडिया एंड डी बांग्लादेश। दीपक सैनी का भी बी बिल्कुल ठीक था, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था, अभी तो सभी का 100% रिजल्ट है, वेरी गुड, आप सबके, आप सभी ने इम्प्रूव किया है। बात है कि क्लास अगर देखोगे तो सभी क्वेश्चन के आंसर दोगे, इसलिए क्लास देखा करो। 7th का सैयद का ए है, हिमांशु का सी है, प्रवीण का भी सी है, सुपरस्टार, चिराग, सभी का सी है। एंड सी इज द करेक्ट आंसर,
बिल्कुल ठीक है, सी इंडिया ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हिंदुस्तान जिंक डैश गवर्नमेंट साइन पैक्ट टू सेटअप जिंक स्मेल्टर प्लांट। हिंदुस्तान जिंक ने किस सरकार के साथ एक समझौता से साइन किया है, किस चीज के लिए? जिंक स्मेल्टर प्लांट के लिए। ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, एंड डी गुजरात। सुपरस्टार का गुजरात, चिराग का गुजरात। आप जितने भी बच्चे न्यू है प्लीज लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए। ठीक है, राहुल सिंह का भी डी है, सैयद का भी डी है, मानवी का भी डी है, चांदनी, सभी का डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, जॉन आर रेड क्रिकेटर बिलोंग्स टू विच कंट्री। जॉन आर रेड जो कि क्रिकेटर थे, वो किस देश से बिलोंग करते थे? हाँ राकेश, जेठालाल का ससुराल, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। लक्ष्मी वर्मा जी का भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर दीजिए सभी। राहुल सिंह का 9th का ए, अजय का ए, चिराग का ए, तफजुल का भी ए है, प्रवीण का भी ए है, सैयद ए, सिर्फ दीपक सैनी को छोड़ के बाकी सभी का आंसर ए। बिल्कुल ठीक है, न्यूजीलैंड। दीपक आप रात को 9 बजे क्लास आया करो, दीपक आप रात के 9 बजे क्लास आया करो। ये सारे पढ़ाई हुई चीज़ें का ही मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ, तो आप सभी का बिल्कुल ठीक होगा। रात के 9 बजे आप क्लास अटेंड किया करो। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन। कर्नाटका स्टेट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए वरुण धवन, बी एस कृष्णा मूर्ति, सी भानुलाल कतारा, एंड डी जसवंत राठी। हिमांशु, जेठालाल का ससुराल अहमदाबाद में है, लेकिन अहमदाबाद तो गुजरात में ही है ना। लक्ष्मी आपका पेपर 20 को है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जतिन, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ऐसे ही प्लीज़, और सेशन को लाइक शेयर करिए, एटलीस्ट 50 लाइक करवा दीजिए आप लोग, शेयर कर दो सब में कि कम से कम 50 लाइक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10th का अजय का बी, बाबू बबलू का सी, सैयद का सी, मानवी का बी। जो भी बच्चे गलत दे रहे हो बहुत गंदी बात है ये आपकी, बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग स्टार्टिंग से क्लास क्यों नहीं लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, हु इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। यूनेस्को में के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए नाजिम अरशद, बी लीजो जोस, सी विशाल वी शर्मा, एंड डी नन ऑफ दीज। सैयद 5 दिन बाद 100 हो जाएंगे वो, ठीक है कम से कम आज तो 50 हो जाए ना, कम से कम आज 50 हो जाए। और जो भी सेशन को अनलाइक करने आते हो क्यों अपना टाइम वेस्ट करने आते हो? क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर दीजिए सब। हिमांशु आपका 10th का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अजय कुमार का 11th का सी है, राकेश का, शर्मा अंकल, हिमांशु का भी 11th का ए। हिमांशु आप तो क्लास में थे, फिर हिमांशु गलत आंसर क्यों कर रहे हो आप? राहुल सिंह का भी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विशाल वी शर्मा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पद्मश्री इज द डैश हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पद्मश्री भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ए पहला, बी तीसरा, सी दूसरा, एंड डी चौथा। विशाल शर्मा, प्रवीण जहांगीर का भी बिल्कुल ठीक है, लक्ष्मी का भी, मानवी का भी, सुपरस्टार का भी, चिराग का भी, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप सब क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर दो। राकेश बमानिया 4th, प्रवीण 2nd, चिराग डी, हिमांशु ए। हिमांशु एंड प्रवीण अभी आपको पढ़ाया था ना, 4th है ये, ठीक है 4th है ये, 4th इज द करेक्ट आंसर। प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़ा करो, मानवी ध्यान से पढ़ा करो क्लास में, हिमांशु आप भी, कि क्वेश्चन गलत नहीं। और आपसे जो भी आंसर देगा इसके बाद, अभी जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो नंबरिंग करके देगा, क्योंकि आपके आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं, किसी का फर्स्ट का आंसर आता है, किसी का सेकेंड का आता है, तो नंबरिंग करके दीजिएगा ठीक है। ये इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को,
ये जो आप कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप हैज केप्ट डैश इन इट्स एनहैंस्ड फॉलो अप लिस्ट। बताइए, ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश एंड डी पाकिस्तान। चिराग, अभी 20 क्वेश्चन और है। अगर चिराग, अगर कुछ अर्जेंट है तो आप अपना काम कर लो, कोई बात नहीं। अभी 10:30 पे दोबारा एक क्लास होगी आप लोगों की, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है? 10:30 वाली क्लास जरूर लीजिएगा। जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लो, वर्षा 0907 है, आप सर्च करना टेलीग्राम पे। यहाँ पे मैं आपको सारी क्लास की लिंक एंड पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? इस क्लास की भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। नंबरदार, गुड इवनिंग, आज लेट कैसे हो गए नंबरदार? सभी का फर्स्ट आंसर आ रहा है, केवल हेमंत का आंसर डी बिल्कुल ठीक है, बाकी सभी का आंसर गलत है। डी इज द करेक्ट आंसर, पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर एशिया पैसिफिक ग्रुप हैज केप्ट पाकिस्तान इन इट्स एनहैंस्ड फॉलो अप लिस्ट। क्वेश्चन नंबर टू, इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस ऑर्गेनाइज एन एंटी टेरर एक्सरसाइज डैश एट लूलानगर पुणे महाराष्ट्र। ए सुरक्षा रक्षक, बी सुरक्षा कवच, सी सुरक्षा भीम एंड डी सुरक्षा सागर। प्रत्येक 10:30 भी क्लास होगी। नंबरदार, आप भी सेशन को लाइक करो। बाय बाय चिराग, गुड नाइट। जितने भी स्टूडेंट अभी न्यू आए हो सभी एक बार सेशन को लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए, लक्ष्मी का सेकंड का बी, हिमांशु का बी, नंबरदार का बी, राहुल का बी और सभी का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुरक्षा कवच इज द करेक्ट आंसर। दीपक का भी बी है, तफजुल तफजुल का भी बी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच बैंक हैज वॉन द 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ घाना, सी बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड डी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दीपक सैनी का भी बिल्कुल ठीक था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबरदार का थर्ड का सी, थर्ड का होगा बी, बैंक ऑफ घाना। ये कल की ही तो न्यूज है, बैंक ऑफ घाना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द पैनल ऑफ सेक्रेटरीज टू स्ट्रीमलाइन द स्पेक्ट्रम एलोकेशन प्रोसेस? ए राजीव गौवा, बी प्रदीप कुमार, सी प्रीति एंड डी राजीव महर्षि। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ का आंसर दो सब, फोर्थ का आंसर होगा ए राजीव गौबा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हिमांशु का फोर्थ का ए बिल्कुल ठीक था, तफजुल का भी ठीक था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द 400 मीटर हर्डल्स चैंपियन एट द 1952 हेलसिंक ओलंपिक डैश पास्ड अवे रिसेंटली। ए चार्ली मुरे, बी एडविन मोजेस, सी फेलिक्स सैंचेस एंड डी केरोन क्लीमेंट। हाँ प्रवीण, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लो। जब आप चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहीं से आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे है वर्षा सिंह डिस्कशन ग्रुप, सर्च कर लेना, वर्षा सिंह डिस्कशन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है? अगर चैनल से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से कर लेना। लक्ष्मी वर्मा का भी फोर्थ का ये था। फिफ्थ का बताओ आप सब, नंबरदार फिफ्थ का ए है, हिमांशु का बी है। नंबरदार का आंसर बिल्कुल करेक्ट है ए चार्ली मुरे, चार्ली मुरे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अमेजन पे हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू पुश डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया?
ए कार्जोन एरेंट, बी उबर कैब, सी मेगा कैब एंड डी ओला कैब। वर्षा सिंह डिस्कशन ग्रुप सर्च करो प्रवीण। वर्षा सिंह डिस्कशन ग्रुप। वैसे आप लोग चैनल से डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो डिस्कशन ग्रुप। उबर कैब है प्रवीण का आंसर। बिल्कुल प्रवीण का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उबर कैब इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ ब्रांड कैंपेन विद रिकॉर्ड 11 क्रिकेट स्टार एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ए एनपीसीआई, बी पेटीएम, सी भारत पे एंड डी पेयू। नंबरदार का आंसर भी बिल्कुल ठीक था। आप सबके अब आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? सत्यम एव जयते मैं ठीक हूँ। सत्यम एव जयते पहले सेशन को लाइक करो, आप शेयर भी करो जल्दी, ठीक है? 46 लाइक हो चुके हैं, कम से कम 50 लाइक करवा दो, ठीक है? कम से कम 50 लाइक करवाइए आप लोग। प्रवीण का भारत पे, साहिल का सी, प्रवीण का भारत पे, साहिल का सी, अभी का, हिमांशु का बी। हिमांशु आपका आंसर गलत है। सी भारत पे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? भारत पे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द अपोलो हॉस्पिटल टू लॉन्च अ हॉलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। ए इंडियन बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी एचडीएफसी बैंक एंड डी कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर तो सब। क्वेश्चन एट का प्रवीण का एचडीएफसी आ रहा है, हिमांशु का बी, साहिल का डी। केवल नंबरदार और प्रवीण का आंसर ठीक है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक इज द करेक्ट आंसर। अभिषेक पाल का भी बिल्कुल ठीक है आंसर, एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, व्हेन इज द वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड? ए 18th अक्टूबर, बी 17th, सी 19th एंड डी 15th अक्टूबर। विपिन हेलो, विपिन आज लेट कैसे हो गए? विपिन विपिन सेशन को लाइक शेयर करो एक बारी। 48 लाइक है, 50 लाइक करवाओ कम से कम आप लोग। कम से कम 50 लाइक करवाइए आप लोग। 48 है, राशिद का 18, प्रवीण का 15, सुपरस्टार 19, प्रवीण 15। केवल प्रवीण का आंसर ठीक है। 15th अक्टूबर, 15th अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। विपिन क्या हुआ हुआ आपको, हॉस्पिटल में क्यों है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 15 टू मेक द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10th, आरबीआई हैज रेज्ड द बैंक्स मिनिमम एग्रीगेट रिटेल एक्सपोजर लिमिट टू एंटिटीज विद टर्न ओवर अप टू 50 करोड़ टू रुपीज डैश। थैंक यू, सभी ने 50 लाइक करवा दिया आप लोगों ने, थैंक यू। हिमांशु चार बारी क्लिक मत करना, ठीक है? अनलाइक हो जाएगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर दीजिए सर। अच्छा विपिन, अब दिल्ली पुलिस में है ना विपिन? क्वेश्चन नंबर 10th, का आंसर दो। 10th का आंसर होगा डी, 7.5 करोड़, ठीक है? 7.5 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। पता नहीं किसने किए सुपरस्टार, वो जानबूझ के डिसलाइक करने आते हैं। जिसने भी 3 किए हैं ना, आप डेली मेरी वीडियो पे देखो, 3 या 4 ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ पैनल ऑफ सेक्रेटरीज अंडर डैश टू स्ट्रीमलाइन द स्पेक्ट्रम एलोकेशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेट।
ए राजीव गौबा, बी अनिल कुमार गुप्ता, सी राहुल भटनागर एंड डी अरुणा सुंदर रजन सुंदरा राजन। हिमांशु 10th का 7.5 करोड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर दो सब। अब दीपक का 11th का 10 नहीं 7.5 करोड़ है। सबका 10 का आंसर 10 ही आ रहा है। 11th का आंसर दीजिए सब। कांशु क्या बोल रहे हो? प्रवीण का राजीव गौबा। प्रवीण आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, राजीव गौबा इज द करेक्ट आंसर। अभी तो पढ़ाया था ये। क्वेश्चन नंबर 12th, एम अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, यहाँ पे ये अटल इनोवेशन मिशन है। एम कोलैबोरेट्स विद डैश टू प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस स्कूल। ए आईआईटी कानपुर, बी सीजीआई, सी सीआईआई एंड डी ऑल ऑफ द अबव। 12th का बताइए। नंबरदार का भी ए बिल्कुल ठीक है, सुपरस्टार का भी ए बिल्कुल ठीक है। विपिन मैं तो गाजियाबाद में रहती हूँ। सुपरस्टार का है, 12th का डी। बाकी बच्चे आंसर करो। मैंने बोल दिया 50 लाइक के लिए थैंक यू, तो एक ने जानबूझ के अनलाइक कर दिया। मैंने 50 बोल दिया कि 50 हो गए, तो एक ने जानबूझ के अनलाइक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर दीजिए। अच्छा समझ गई हिमांशु। रितु मेरी क्लास का टाइमिंग 9 से 1 होता है, 10, 20, 10:30 जितने भी बज जाए, और दूसरी क्लास की टाइमिंग होती है 10:30 बजे। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे सेम चैनल पे, इसी चैनल पे। ठीक है, गुड इवनिंग फाहिम। फाहिम लेट कैसे हो गए? जितने भी बच्चे अभी न्यू आए हो पहले सभी लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 12th आंसर इज बी, नॉट डी, बी इज द करेक्ट आंसर, सी जी आई। सबने ऑल ऑफ द अबव देख लिया तो तुक्का लगा दिया कि ऑल ऑफ द अबव ही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ई संजीवनी इनिशिएटिव फंक्शंस अंडर डैश। ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अभी तो नहीं लेती विपिन, अभी तो सभी बंद है। अच्छा फाहिम, फाहिम सेशन को पहले लाइक करो आप। जितने भी बच्चे अभी न्यू है प्लीज लाइक करिए, और कोई मुझे कमेंट कमेंट करके ये भी बताओ कि आयुष का मिनिस्टर कौन है, आयुष का मिनिस्टर कौन है। 13th का प्रवीण का आयुष, हिमांशु का ए, नंबरदार का डी, सुपरस्टार का डी, रितु का डी। सभी का आंसर गलत है। आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और आयुष के मिनिस्टर कौन है कोई कमेंट करके बताइए आप में से। इसको नहीं पता नोट कर लो, श्री पद यस्सो नायक। ठीक है, श्रीपद यस्सो नायक इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? आयुर्वेदा योगा यूनानी, आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा होम्योपैथी। ठीक है, आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा होम्योपैथी। अच्छा सैयद आपका सही था, एक मिनट, कमेंट बहुत जल्दी जल्दी आते हैं ना। हाँ सैयद का आंसर बिल्कुल ठीक था, इग्नोर नहीं करती सैयद, कमेंट जल्दी जल्दी आते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 14, रिनोन्ड क्रिकेटर प्लेयर जॉन रिचर्ड रीड हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली प्लेड फॉर विच कंट्री। ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी वेस्ट इंडीज। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है अभी। यस्सो नायक, राशिद का, सुपरस्टार का, नंबरदार, ये आयुष के मिनिस्टर का नाम है श्रीपद यस्सो नायक। सुपरस्टार का न्यूजीलैंड है। 14th का अभी तो शायद ये आंसर बताया था ना,
अभी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, फिर भी आपने गलत बताया। राकेश और सैयद का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है, बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। और इसकी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की आप लोग कैपिटल भी याद रखना, वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड वर्ल्ड में ऐसी पहली पहला देश था जो कोरोना फ्री हुआ था, ठीक है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि कोरोना फ्री हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय एग्जिम बैंक टू मालदीव्स फॉर फाइनेंसिंग द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये कल पढ़ाया था आप लोगों को। ए USD 400 मिलियन, बी USD 350 मिलियन, सी USD 600 मिलियन एंड डी USD 500 मिलियन। इट्स ओके सैयद। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन में भी आप लोग गलत करते हैं, पता नहीं क्यों। अमर सिंह अमन, आप आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। और जिस भी बच्चे ने लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक करो, शेयर करो। और मेरा टेलीग्राम चैनल है वर्षा 0907, इसको इससे जुड़ जाओ आप लोग। यहाँ पे आपको सारी लिंक और सारी पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की, ठीक है। क्लास की सारी लिंक और पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर किसी का भी नहीं आ रहा। 15 का सुपरस्टार का सी है, हिमांशु का बी है, सैयद का भी सी है, ए होगा आंसर, USD 400 मिलियन। 400 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। द एनुअल द 2021 एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल बी हेल्ड इन विच प्लेस? ए ग्रीनलैंड, ग्रिंडेल वॉल्ड, बी जर्मेट, सी दावोस एंड डी लुरेन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। इट्स ओके प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दो सब। सभी का आंसर, सुपरस्टार का आंसर नहीं आया। प्रवीण का सी है, लक्ष्मी वर्मा का ए है। सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर सर्च करने लग जाते हैं नेट पे। आंसर इज सी ल्यूसरेन। ल्यूसरेन कहाँ पे है ये याद रखना, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यूक्रेन है स्विट्जरलैंड में। सी नहीं होगा, डावोस फेमस है तो डावोस, डावोस सबने आंसर दे दिया। अमर, डावोस नहीं है, ल्यूसरेन है। ल्यूसरेन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। द गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड इज द विनर ऑफ द सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर 2020। नेम द गवर्नर। ए मेरविन सेन, बी एंड्रयू बेले, सी मार्क कार्ने एंड डी क्रिस्टिया फ्रीलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो जल्दी दो, 10:30 पे दूसरी क्लास है, जल्दी दीजिए 17 का आंसर सभी। विपिन बाय। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सी मार्क कार्ने, ठीक है। मार्क कार्ने इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। विच स्टेट टॉप विद हाईएस्ट टेली कंसल्टेशंस अंडर ई संजीवनी इनिशिएटिव? ए केरला, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र एंड डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 18। जितने भी न्यू स्टूडेंट हो सभी लाइक कर दो एक बारी। 17 का विपिन यादव का डी है। विपिन डी नहीं है आंसर, आंसर सी था विपिन। फाहिम का सी, सैयद का ए है 18 का, प्रवीण का यूपी, सुपरस्टार का सी, अमन का ए, सभी का गलत है। आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। द ऑल इंडिया राजमाता विजय राजे सिंधिया गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी एंड डी गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 19।
जल्दी आंसर करिए, अभी 10:30 पे दूसरी क्लास होगी। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, 10:30 वाली क्लास लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है? वो मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट। सारे लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, चैनल है वर्षा 0907, ठीक है? डिस्कशन ग्रुप है वर्षा सिंह डिस्कशन ग्रुप, वर्षा सिंह डिस्कशन ग्रुप। और जिसने भी मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया, सारे फॉलो करो। 19 का सी बता रहे हैं सारे बच्चे, गौतम मौर्य का डी है, बाकी सभी का सी बिल्कुल ठीक है। हिमांशु और गौतम को छोड़ के बाकी सभी का आंसर ठीक है, हॉकी। सारे बच्चे अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करो, और जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है प्लीज़ ले लो जल्दी से, कोड यूज़ करना वर्षा, ठीक है? आप सभी को 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी पे जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ए 15th अक्टूबर, बी 14th अक्टूबर, सी 13th अक्टूबर एंड डी 16th अक्टूबर। गौतम, PDF आप सभी को टेलीग्राम पे मिलेगी, सभी को टेलीग्राम पे क्लास की लिंक भी मिल जाया करेगी और PDF भी मिल जाया करेगी, ठीक है? तो जितने भी बच्चे यहाँ पे हो सारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, या वहाँ पे आपको सारी क्लास की लिंक और PDF मिल जाया करेगी। अब ये मुझे नहीं पता प्रवीण स्पेस है या नहीं है, मैं देख के बताती हूँ, रुको। सब अलग अलग है, वर्षा अलग है, सिंह अलग है, डिस्कशन अलग है, ग्रुप अलग है, प्रवीण सारी चीजें अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सभी का 15th अक्टूबर है एंड सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, 15th अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। रितु का आंसर गलत है और अमन सिंह का आंसर गलत है, बाकी सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था, अभी के लिए 10:30 पे दोबारा क्लास होगी, सभी 10:30 पे ज्वाइन कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं जिसके पास भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, स्पीड दीपक फास्ट नहीं है, मैं तो 9 बजे से क्लास ले रही हूँ, एक्चुअली मेरी 10:30 पे अभी दोबारा क्लास होगी, इसलिए मैंने लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत ही फास्टली करवाए हैं। जितने भी बच्चे हो 10:30 पे आ जाना, जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ले लीजिए, कोड यूज़ करिएगा वर्षा, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट है, क्रेडिट कॉइन जो भी आप लोग कहते हैं, अगर आपके पास वो है तो आपको एडिशनल 10% का और मिल जाएगा, तो 20% तक का ऑफ मिल जाएगा। जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो सारे। हाँ शैयद, फोटो है मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरी फोटो है, आप फोटो देख के समझ जाओगे, ठीक है? तो सारे बच्चे 10:30 बजे आ जाना, और जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और सेशन को सारे बच्चे शेयर भी कर देना। तो अभी के लिए बस इतना ही, 10:30 पे मिलते हैं। आप सभी को मैं PDF दे दूंगी टेलीग्राम पे जुड़ जाओ सभी, आप सभी को भी थैंक यू। हाँ प्रवीण, मैं 10:30 पे आऊंगी, सभी को थैंक यू, बाय, कब आ जाना? ओके प्रवीण।